नमस्कार दोस्तों, आप सभी एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेट ट्रिक्स के अंदर, जिसके अंदर हम आपको ट्रिक के माध्यम से CDP कवर कराते हैं। और फ्रेंड्स, ये YouTube पे इकलौता एक ऐसा चैनल है जहां पर हम आपको मैक्सिमम CDP को ट्रिक से कवर कराने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आज आपको हमारा टॉपिक दिख ही रहा होगा, वो है मनोविज्ञान की पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका कि ये पार्ट थ्री होने वाला है। हाँ जी फ्रेंड्स, ये पार्ट थ्री होगा। इससे पहले हम इसके दो पार्ट कवर कर चुके हैं और बहुत ही प्यारी स्टोरी के माध्यम से हम उनको याद कर चुके हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप उन्हें जिंदगी भर भूलोगे भी नहीं। और जिस किसी ने भी वो दो पार्ट नहीं देखे हैं, तो उन दोनों पार्ट का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले जाके वो दो पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये तीसरा पार्ट देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और खासकर यूपी टेट वाले बंदे तो जरूर इन वीडियो को देखे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि कौन सी बुक किस राइटर ने दी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि इन सभी जो पुस्तकें हैं उनके जो लेखक है उनको भी बहुत ही प्यारी स्टोरी के माध्यम से हम कवर कर लेंगे, आपको जरा भी रटने की जरूरत नहीं होगी। और इसके बाद हमने लास्ट में क्विज लगा रखा है, ऐसे क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। और आप देखना, इस सारी ट्रिक को समझने के बाद, पूरी स्टोरी को समझने के बाद, आप उन सभी क्वेश्चनों को तो ऐसे उड़ा दोगे एकदम, बहुत ही आसानी से उन सबका जवाब दे दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड, मैं अभी आपको एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, उसको बड़े ही ध्यान से समझना, और उससे रिलेट करके हमें इन सभी पुस्तकें जो है और उनके जो राइटर उन सबको बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति होता है, ठीक है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम क्या होता है, जॉन डीवी। ठीक है, अब की बार हम डायरेक्ट इसका नाम ही ले रहे हैं। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जॉन डीवी। ठीक है, उसका खुद का क्या होता है, स्कूल होता है, उसका खुद का एक स्कूल होता है। तो जॉन डीवी जब भी अपने स्कूल में या फिर सोसाइटी में, ध्यान से सुनना, जॉन डीवी जब भी अपने स्कूल में या सोसाइटी में, जब भी अपने स्कूल या सोसाइटी में वह बंदा जाता है, तो सिर्फ एक ही बात कहता है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन है, वह बच्चे का डेमोक्रेटिक राइट है। वह बच्चे का क्या है, डेमोक्रेटिक राइट है, कि हर बच्चे को एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो क्या था कि जॉन डीवी जो है एक व्यक्ति है जिसका अपना एक खुद का स्कूल है, और जब भी वह अपने स्कूल या अपनी सोसाइटी में जाता है, कहीं भी जाता है सोसाइटी या स्कूल के अंदर, तो वह एक ही बात कहता है कि जो एजुकेशन है वह बच्चे का क्या है, डेमोक्रेटिक राइट है। ठीक है, तो यहां से दी स्कूल एंड सोसाइटी किसने दी है, जॉन डीवी ने लिखी है बुक। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये किसने लिखी, जॉन डीवी ने। आई होप यहां तक आपको याद हो गया। ठीक है, अभी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इस जॉन डीवी के स्कूल में एक बच्चा होता है मैक्स, बच्चे का क्या नाम होता है, मैक्स। ठीक है, अब वर्दीमर से जो है, यहाँ पे वर्दी, वर्दी इसको हिंदी वाली वर्दी से रिलेट कर लेंगे, वर्दी पोशाक जो ड्रेस होती है उसे वर्दी बोलते हैं। अब मैक्स नाम का बच्चा वर्दी पहनकर स्कूल में जाता है, जॉन डीवी के स्कूल में जाता है। ठीक है, तो वहां पर टीचर जो है ना, टीचर उसके सामने एक प्रोडक्ट रख देता है, टीचर कुछ भी सामान उसके सामने रख देता है। ठीक है, उसके सामने क्या रखता है, एक प्रोडक्ट रख देता है, और कहता है बच्चे आप इसके ऊपर चिंतन करो, थिंक करो, सोचो क्या है ये। ठीक है, आप सोचो कि क्या चीज है ये। तो बच्चे काफी देर सोचता है, फिर कहता है कि सर ये तो क्या है, ये एक फाई फिनोमिना है, फाई फिनोमिना, फाई एक साइंटिफिक टर्म है। ठीक है, बच्चा सोचता है काफी देर, कहता है कि सर ये तो एक फाई फिनोमिना है। ठीक है, तो यहां से आप देखो, प्रोडक्टिव थिंकिंग, प्रोडक्टिव थिंकिंग किसने की, मैक्स नाम के बच्चे ने, जो वर्दी पहन के आया था। ठीक है, दूसरा बच्चे ने फिर क्या बताया, सोच के उस प्रोडक्ट के ऊपर थिंक करके, कि सर ये क्या है, फाई है, फाई फिनोमिना है। तो फाई फिनोमिना ये एक टर्म है जो कि मैक्स वर्दीमर ने ही दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाई फिनोमिना भी किसने कहा है, किसने बताया फाई फिनोमिना के बारे में, मैक्स वर्दीमर ने। यहां तक समझ में आया, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी कुछ बच्चे स्कूल में फ्रॉड टाइप के भी होते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं होता। अब देखो, फ्रायड को हम किसे जोड़ लेंगे, फ्रॉड से। कुछ बच्चे फ्रॉड भी होते हैं जो सिर्फ प्लेजर के लिए, प्लेजर के लिए, सिर्फ मस्ती के लिए, मस्ती के लिए स्कूल में आते हैं। ठीक है, प्लेजर के लिए ही क्या आते हैं, उनका मुख्य जो उद्देश्य, जो मेन प्रिंसिपल जो होता है ना, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सिर्फ मस्ती मान स्कूल में आना, प्लेजर के लिए स्कूल में आना है। ठीक है, तो जब भी आए आपके पास बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, तो ये किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने। फ्रायड को हमने किससे जोड़ लिया, फ्रॉड से, कि इसके अलावा, उसके अलावा कुछ और काम नहीं होता, सिर्फ वो प्लेजर के लिए आते हैं, मस्ती के लिए आते हैं। उसका, उन बच्चों का मुख्य उद्देश्य क्या करता है, मस्ती करना होता है, प्लेजर करना होता है। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड। अब उसके बाद क्या होता है, सिर्फ ही मस्ती करने आते हैं तो पूरे लेक्चर तो लेते नहीं है, और बीच में ही क्या करते हैं, स्कूल से क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं।
बीच में स्कूल से भाग जाते हैं। भाग के कहाँ चले जाते हैं, फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, स्कूल से बीच आधे टाइम में भाग गए, भाग के कहाँ चले गए, स्कूल में चले गए। अब ऐसे टाइम में क्या होता है, जो जो जॉन डीवी जो है अपने टीचर, देखो ये लेविन है, लेविन को आप जोड़ लेंगे केविन से। अब केविन मेरे दोस्तों एक WWE सुपरस्टार है, ठीक है, आप सब लोग अगर WWE देखते होंगे तो आपको पता होगा केविन, केविन जो कि हट्टा कट्टा है। तो अब इसको रिलेट करेंगे लेविन को केविन से। तो केविन मान लो अब एक टीचर होता है जॉन डेवी के स्कूल में, जो कि हट्टा कट्टा होता है। वो कहता है कि भाई तुम ही पकड़ के लाओ इन्हें। तो वो जाता है फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर जाता है और उन्हें पकड़ के लाता है ताकि वो कुछ सीख सके बच्चे। भाई खेतों में से जाता है और उन्हें पकड़ के लाता है ताकि स्कूल में आके कुछ लर्निंग कर सके, सीख सके। ठीक है, तो फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग जब भी आएगा, ये बुक किसने दी, कर्ट लेविन ने। लेविन को किसे जोड़ देंगे, केविन से, क्योंकि केविन उन्हें फील्ड से पकड़ के लाता है ताकि स्कूल में आके कुछ सीख सके। अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद तो जॉन डेवी जो है बड़ा परेशान रहता है कि भाई बच्चे तो ऐसे बंक मार मार के बीच में छोड़ छोड़ के भाग जाते खेतों में। तो वो क्या करता है, अब देखो कोहलर जो है ना, कोहलर को हम कोहली से क्या कर लेंगे, इसको डिनोट कर लेंगे कोहली से, कोहली से, KOHLI, कोहली से, कोहली से मैच कर लेंगे। वो क्या सोचता है, वो क्या करता है कि कोहली को एज ए गेस्ट, गेस्टार्ट का गेस्ट ले लेंगे, कोहली को एज ए गेस्ट वो क्या करता है अपने स्कूल में बुलाता है ताकि वह बच्चों को मोटिवेट रख सके। ठीक है, तो अगले दिन क्या करता है जॉन डेवी, कोहलर को किसे रेट के लिए, कोहली से, कोहली को एज ए गेस्ट अपने स्कूल में बुलाता है ताकि बच्चों को मोटिवेट रख सके। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी हमारी एक प्यार सी स्टोरी, आई होप आपको ये पूरी समझ में भी आ गई होगी और ये सारी जो पुस्तकें हैं उनके लेखक हैं ये सब याद हो गए होंगे। मैं एक बार दोबारा से फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्या थी स्टोरी, कि अपना जॉन डेवी जो होता है एक व्यक्ति होता है, उसका खुद का स्कूल होता है। ठीक है, तो वह जब भी किसी भी स्कूल या सोसाइटी में जाता है तो सिर्फ एक ही बात कहता है कि बच्चों की जो शिक्षा देना है, बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। ठीक है, वो उनका अधिकार है बच्चों का शिक्षा देना। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है कि उसके स्कूल का एक बच्चा होता है मैक्स, वो वर्दी पहन के स्कूल में आता है। ठीक है, और उससे टीचर उसके सामने क्या रख देता है, एक प्रोडक्ट रख देता है और कहता है कि बेटा सोचो अब इसके बारे में, सोच के बताओ क्या चीज है ये। तो बच्चे काफी देर सोचता है, सोच के बताता है कि ये तो एक फाइव फिनोमिना है। क्या है ये, फाइव फिनोमिना। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फ्रॉड टाइप के होते हैं, जो सिर्फ प्लेजर मस्ती मारने के लिए आते हैं, उनका सिर्फ सिद्धांत एक ही रहता है कि स्कूल में मस्ती मारनी है उन्हें बस। ठीक है, तो बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल किसने दी, सिगमंड फ्रायड ने, फ्रायड को फ्रॉड से रिलेट कर लिया था। ठीक है, अब क्या करते हो, बीच टाइम में ही क्या करते हैं, बंक मार के कहाँ पहुंच जाते हैं, खेतों में पहुंच जाते हैं, फील्ड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे में जो कर्ट लेविन था, कर्ट लेविन को हमने किससे किया था, केविन से, केविन जो टीचर होता है वो उन्हें पकड़ के लाता है। ठीक है, ताकि वो कुछ सीख सके स्कूल में आके। अब उसके बाद जॉन डी सोचता है भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, बच्चे बंक मार के जा रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या करता है, अगले दिन नेक्स्ट डे क्या करता है, कोहली को बुलाता है ताकि, कोहली को एज ए गेस्ट बुलाता है, कोहली को एज ए गेस्ट बुलाता है ताकि बच्चे को वो मोटिवेट रख सके। ठीक है, सो आई होप ये अभी आपको याद हो गए होंगे और ये जिंदगी भर याद भी रहेंगे। ठीक है, अभी बढ़ते क्विज की तरफ, ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, आप देखना कैसे आप 2 सेकंड में सारे क्वेश्चनों को उड़ा दोगे। ठीक है फ्रेंड, सो अभी बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। सो अभी देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है प्रोडक्टिव थिंकिंग, प्रोडक्टिव थिंकिंग बुक वॉज रिटन बाय, सो फ्रेंड ये किसने लिखी, प्रोडक्टिव थिंकिंग किसे प्रोडक्ट दिया जाता है और थिंक करने के लिए, सोचने के लिए कहा जाता है। अभी आप ऑप्शन देखिए, पूरी स्टोरी दिमाग में आ जाएगी, थॉर्नडाइक नहीं, जीन पियाजे नहीं, कोहलर नहीं, फोर्थ जैसे आप देखोगे मैक्स वर्दिमिर, कि मैक्स नाम का एक लड़का होता है जो कि वर्दी पहन के स्कूल में आता है, उसे एक प्रोडक्ट दिया जाता है ना और कहा जाता है कि इसके ऊपर सोचो। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपने भी ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर दिया होगा। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाज गिवन बाय, गेस्ट बन के कौन आता है, किसको बुलाया जाता है, कोहली को, कोहली को किसे रिलेट किया था, कोहलर से, फटाफट से उड़ा दो इसको, कौन सा आंसर आएगा इसका, राइट आंसर पावलोव नहीं आएगा, स्टनबर्ग नहीं आएगा, कैटल कोई बात नहीं हुई, जैसे ही कोहलर देखोगे, कोहली से कोहलर को हमने रिलेट किया था, ऑप्शन फोर विल बी इट्स राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक वाज रिटन बाय, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की बात किसने की थी, कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, ये उनका क्या है, डेमोक्रेटिक राइट है, बात किसने कही थी, किसने कही थी, गिजू भाई ने कही थी, नहीं,
प्रेयर ने कही थी नहीं, क्लार्क कल ने कही थी नहीं, जैसे जॉन डीवी देखोगे पूरी स्टोरी दिमाग में घूम जाएगी, जॉन डीवी ने ये बात कही थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फाई फिनोमिनन वाज गिवन बाय। फाई फिनोमिनन किसने दिया था? आपके पास चार ऑप्शन है, थोर्नडाइक, स्किनर, मैक्स वर्देमेर, जॉन डेवी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ट्रिक समझ में आ गई होगी, हमारी जो प्यार सी स्टोरी थी समझ में आ गई होगी, तो आप इतने अभी तक इसका जवाब दे भी दिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, और आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की प्यारी सी छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने जाना बहुत सी ऐसी जो बुक्स है उनके राइटर को, बहुत ही प्यारी ट्रिक के माध्यम से इसको याद भी कर लिया। और फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको इन सबके नोट्स भी मिल जाएंगे। TET_TRICKS26 हमारी टेलीग्राम आईडी है। और फ्रेंड्स, आज अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को 10 लोगों के बीच जरूर शेयर करना है जो कि सीटेट, यूपीटेट या किसी भी अन्य टेट की तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर दबा लेना है। तो फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ और मजेदार ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।